आप तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग कराती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी सारे काम करती हूँ एक साथ। बेहतरीन है। अच्छा, सबसे पहले हम ताइक्वांडो के हवाले से बात कर देते हैं कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन इट, फिर हम बात करेंगे आपकी ट्रेनिंग की उसके हवाले से। मैं काफ़ी सालों से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रही हूँ। ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली मार्शल आर्ट्स को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। सही है। ताकि जैसे बच्चों के पास टाइम कम है, पहले हमारे पास टाइम ज़्यादा होता था और मोबाइल का दौर नहीं था तो बहुत कुछ वक्त बच जाता था। हम ट्रेनिंग्स के लिए क्लब्स भी जाते थे, सब कुछ होता था। अब जरा बच्चे बिजी हो गए, बड़ी कोई अच्छी चीज़ में बिजी हुए हैं ना। चीज़ें बिजी हैं। हाँ, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक सही है। अम्मी अबू के पास टाइम भी कुछ कम हो गया तो लाना ले जाना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि उसमें जो आप सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटजी है उसको, जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो सीख लें। अच्छा, सही हो गया। पहले वनडाई कोर्स 4-5 साल का था। 4-5 साल तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इस तरह की हैं कि शायद आप इनको पूरी ज़िंदगी भी करते रहे ना तो आप फिर भी प्रैक्टिस में ही रहते हैं। इतना ये बड़ा काम है, बड़ी बात है अगर आपने 4-5 साल के कोर्स को भी कम कर दिया, इतना शॉर्ट कर दिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो में डिफरेंस क्या है। मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ताइक्वांडो उसमें से एक है। अच्छा, सही हो गया। और किस तरह से कि ट्रेनिंग में किस तरह से फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होता। आमतौर पे किक्स भी वैसी होती हैं, पंचेस भी वैसे होते हैं, सिर्फ पुम्से डिफरेंट होते हैं या कुछ टेक्निक्स डिफरेंट होती है। एक्चुअली तो हर मार्शल आर्ट्स जो है वो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखा रही होती है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। किसी में रूल कुछ होता है, किसी में रूल कुछ होता है, किसी में कॉम्बैट अलाउ होता है कि जी आप डायरेक्ट अटैक कर लें, डायरेक्ट ब्लॉक कर लें, किसी में नहीं होता। तो आप उसमें वो डिपेंड्स अपॉन कि उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप चूंकि फिटनेस ट्रेनर भी, रियली वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अलावा आप क्या कुछ करते हैं, बिकॉज आई हर्ड यू हैव सम फूड चेन और समथिंग दैट एज वेल। मेरा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, मैं उसको रन करती हूँ। एक को वर्किंग स्पेस है, उसको रन करती हूँ। कहाँ पे है वैसे ये? जी, वलेंशिया में है। अच्छा, सही। और मेरा स्टूडियो ख्याबान अमीन में है। और मैं चूंकि खवातीन की नीश पे स्पेशली काम करती हूँ। मेरा जो फिटनेस स्टूडियो है वो इस नीश पे काम करते हैं कि ख्वातीन जो हैं वो अपने एरिया में सेफ रहें, वो फाइनेंशियली एम्पावर हों, और फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए उनको स्किल्स सिखाया जाए, उनको राइट सीट्स पर मौजूद राइट लोगों से मिलवाया जाए, यानी कि लीगल इदारे इतने सारे हैं, अपने राइट सीट्स पर मौजूद राइट लोग। जी बिल्कुल, दोनों ना बड़ी काम की बातें की बात की है आपने। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस पे कौन सा ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो हमें एक्चुअली गाइड करेगा। तो इदारे तो बहुत से हैं तो हम उसके लिए लोगों को गाइड करते हैं। सही है। और हम लोगों को फिर लीगल कंसल्टेंसी खासतौर पर हरासमेंट के हवाले से देती हूँ मैं खवातीन को। ठीक है, हरासमेंट पे हम बाद में आते हैं, पहले हम बात आ जाते हैं सेल्फ डिफेंस पे, चूंकि मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो से लिंक्ड है। तो हाउ डू यू ट्रेन सेल्फ डिफेंस का जो पूरा एक है टू द गर्ल्स? मेरी कोशिश ये होती है कि हम 1-6 मंथ्स का जो टाइम है वो पेरेंट्स से ले लें। उस 6 मंथ्स के अंदर हम बच्चों को बेसिक्स के अलावा टारगेटेड एरियाज और हाउ टू डिफेंड की स्ट्रैटेजी सिखाएं। सही। और इसके अलावा हम उन्हें फिजिकल, मेंटल बैरियर्स, उनके चैलेंजेस, और प्लस जो कि डिजिटल एरा का दौर है, बच्चे अपनी प्राइवेसी को इतना ख्याल नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, उन्हें पता भी नहीं होता बाज़ औक़ात, और उसकी वजह से बेशुमार मसाइल भी होते हैं। तो वो जो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है ना, वो उस पर हम काम करते हैं। ऐसे मदर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे डिजिटल के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं और मदर्स उतना नहीं जानती। तो देसी माएं होती ना हमारी। हम आएंगे डिजिटलाइजेशन और इसके हवाले से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम की वो एक पूरी ब्रांच अलग से हो जाती है। तो अभी सेल्फ डिफेंस में 6 महीने का कोई कोर्स होता है जो आके आप दे रहे होते हैं, सही हो गया, और उसमें डेली क्लासेस वगैरह होती हैं और इस तरह से कुछ हो रहा होता है, सही हो गया। ठीक है। और ये बेसिकली इज इट अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड इज इट अ पार्ट ऑफ ताइक्वांडो, इज इट डिफरेंट, किस तरह से होता है ये? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स, बट उसमें से सेलेक्टिव आपने निकाल लिया है।